नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है BDF न्यूज़ के YouTube चैनल में। दोस्तों, दो तीन दिन से हम आपको खबर नहीं सुना पा रहे हैं, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज समय निकाल कर एक बार फिर से उन सभी खबरों को लेकर आए हैं जिन खबरों को आप देखना और सुनना चाहते हैं। दरअसल राजस्थान के श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में अब अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। इस केस में जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो मैनेजर है, जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है संपत नेहरा की हत्या हो सकती है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। और ये आशंका कोई और नहीं बल्कि खुद संपत नेहरा की पत्नी ने जताया है। इस पर थोड़ी सी चर्चा आपको करेंगे, बताएंगे। दूसरी चर्चा ये है कि जब से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब मारे गए हैं, तब से लगातार राजस्थान की पुलिस, एक जिले की नहीं बल्कि सभी जिलों की पुलिस ने रोहित गोदारा और उसके गैंग के गुर्गों को पकड़ने के लिए तमाम तरह की जो है तैयारियां कर रही हैं, दबिश दे रही हैं। और उसमें अब राजस्थान पुलिस को अगर ये कहें गिफ्ट मिला तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि रोहित गोदारा तो नहीं पकड़ा गया, रोहित गोदारा का एक खतरनाक शूटर पकड़ा गया है, उसका नाम भी आपको बताएंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। तो एक एक कर सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप एक तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है गैंगस्टर संपत नेहरा की। संपत नेहरा वही गैंगस्टर है जिसने अब से कुछ साल पहले सलमान खान को मारने की सुपारी ली थी, और यह सलमान खान को मारने भी गया था। सलमान खान की हत्या यह नहीं कर पाया क्योंकि मुंबई पुलिस एक्टिव थी और संपत नेहरा पकड़ा गया। इसके पीछे एक वजह यह भी बताई गई थी कि संपत नेहरा के पास उतनी आधुनिक पिस्तौल नहीं थी कि सलमान खान के घर को वो निशाना बना सके वहाँ पर पहुँचकर। बाद में जब इंटेलिजेंस से खबरें आईं और तब संपत नेहरा की गिरफ्तारी हुई थी, तब से संपत नेहरा लगातार जेल में बंद है, पंजाब के बठिंडा की जेल में है वो। संपत नेहरा का नाम गाहे बेगाहे सुर्खियों में सामने आता रहता है। जब दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या हुई थी, तो संपत नेहरा को राजस्थान की पुलिस वहाँ से प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर गई थी, और लॉरेंस बिश्नोई भी उसके साथ गया था, और उसके बाद फिर वापस से उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था और फिर बठिंडा जेल में। अब देखिए, बात यह है कि गैंगस्टर संपत नेहरा की संलिप्तता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में निकलकर सामने पहले दिन आ गई थी, और ये कहा गया था कि जब पंजाब की ATS ने राजस्थान की पुलिस को, राजस्थान की सरकार को एक लिखित सूचना दी थी कि संपत नेहरा से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश जेल में बैठकर रची जा रही है, तो संपत नेहरा का नाम कुछ इस तरह से निकलकर सामने आया था। अब उसी केस में संपत नेहरा को राजस्थान की पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर, प्रोडक्शन रिमांड पर ले जाने की कोशिश कर रही है, और संपत नेहरा की पत्नी है, उसे शक है कि अगर संपत को राजस्थान की पुलिस प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर राजस्थान जाएगी तो हो सकता है उसकी हत्या वहां पर कर दी जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उसने कहा है कि संपत की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई जाए, और इससे ना सिर्फ उसके लिए अच्छा रहेगा बल्कि सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि संपत के दुश्मन राजस्थान में बहुत ज़्यादा हैं। संपत की बात करें तो रहने वाला भी ये चूरू राजस्थान का है, और ना सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का ये मैनेजर कहा जाता है, राइट हैंड कहा जाता है, बल्कि राजस्थान के चूरू में इसने कपिल पंडित, जो पंडित भाई बंधु गैंगस्टर हैं, उन सब के जरिए वहाँ पर एक पूरा सिंडिकेट खड़ा कर रखा है। तो संपत नेहरा बहुत खतरनाक गैंगस्टर है, जब सलमान खान को मारने के लिए पहुँच जाता है, आप सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। अब इस पूरे मामले में राजस्थान की पुलिस का कहना है कि फिलहाल संपत नेहरा का अभी कोई उद्देश्य नहीं है कि उसे प्रोडक्शन रिमांड पर लाएगी पुलिस या नहीं लाएगी, फिलहाल अभी इस बात से पुलिस ने इनकार कर दिया है, यानी कि संपत नेहरा को पुलिस नहीं लाना चाहती या नहीं लाएगी अभी। आगे हो सकता है लाया जाए, नहीं लाया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हो। तो ये कैसे है कि संपत नेहरा की हत्या की आशंका जताई जा रही है। अब संपत नेहरा की हत्या कौन कर सकता है, आप सुनिए। संपत नेहरा की पत्नी ने ये नहीं बताया कि उसकी हत्या कौन कर सकता है, लेकिन जिस तरह से संपत गैंग यानी कि लॉरेंस गैंग बम्बीहा गैंग के टारगेट पर है, राजस्थान में और भी कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो लॉरेंस गैंग के एंटी गैंगस्टर कहे जाते हैं, वो संपत नेहरा की हत्या कर सकते हैं। पुलिस एनकाउंटर का हालांकि उन्होंने अंदेशा नहीं जताया है, पुलिस एनकाउंटर का कुछ नहीं कहा जा सकता, तो हो सकता है कि उसके विरोधी गैंग के बदमाश उसे निपटा दें। दूसरी चर्चा देखिए ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब की जब हत्या हुई थी, हत्या के बाद से राजस्थान की पुलिस ने पूरे राजस्थान में एक मुहिम चला रखा है
अपराधियों को गिरफ्तार करने का। और इसी कड़ी में गोपाल जाखड़ नाम का एक गैंगस्टर है जो ये कहें कि रोहित गोदारा के गैंग में भले ही काम करता है लेकिन रोहित गोदारा से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, जो रोहित गोदारा आपको दुबला पतला सा बैठा हुआ एक व्यक्ति दिख रहा है वो रोहित गोदारा है, और एक कहें कि ज़्यादा उम्र का व्यक्ति एक बैठा है वो गोपाल जाखड़ है, जो उससे पहले अपराध की दुनिया में आया था, या यूं कहें कि अपराध की दुनिया में जो गुर होते हैं वो सिखाने की इसने रोहित गोदारा की कोशिश की थी। वो गिरफ्तार हुआ है और इसे बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, गोपाल जाखड़ को इतना तो ज़रूर पता होगा कि संपत नेहरा, माफ कीजिएगा, रोहित गोदारा इस वक्त कहाँ छिपा हुआ है। तो पुलिस को इस गिरफ्तारी के बाद से रोहित गोदारा के लीड तो ज़रूर मिल सकती है, इस बात का भी शक जताया जा रहा है। वैसे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब का केस जो है वो एक तरह से देखें तो उसमें अपडेट चल रहा है लगातार, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शूटरों से अभी देखिए पूछताछ हुई थी, चाहे नितिन फौजी हो या फिर रोहित राठौड़ हो, इन सबसे पूछताछ हुई थी, लेकिन अभी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। चार्जशीट इस मामले में दाखिल नहीं हुई है अभी, और कहा जा रहा है कि जब तक रोहित गोदारा नहीं पकड़ा जाएगा तब तक शायद किसी निष्कर्ष पर पुलिस पहुंच भी नहीं सकती है, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड रोहित गोदारा है, वीरेंद्र चारण है। इन लोगों की गिरफ्तारी जब हो जाएगी उसके बाद कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे इतर हम देखें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विरोध में राजपूत समाज के बड़े बड़े चेहरे रोज़ाना सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की बगावत करते हैं, इस तरह की चेतावनी देते हैं कि अगर आगे से कुछ भी हुआ तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की शामत आ सकती है, या अलग अलग तरह के राय निकल कर सामने आते हैं। इससे इतर देखा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई, देखिए, गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है। बेशक हम इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि लॉरेंस जेल में रहने के बाद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब जब कोई बड़ा कांड होता है, बड़ा कांड कहने का मतलब है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड या फिर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कांड, संदीप सुधीर सूरी हत्याकांड, इस तरह के जब हत्याकांड होते हैं, जब पूरा प्रदेश हिल जाता है, तो ऐसे गैंगस्टरों की चर्चा होती है। और जिम्मेदारी का पोस्ट देख कर जिस तरह से कहा जाता है लॉरेंस गैंग जिम्मेदारी ले रहा है, बम्बीहा गैंग जिम्मेदारी ले रहा है, तो इनके जेल से बैठकर भी इस तरह के अपराध के जो कृत्य होते हैं वो लगातार बदस्तूर जारी रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि संपत नेहरा की हत्या हो सकती है? इस बात की आशंका जो उसकी पत्नी जता रही है, किस आधार पर, किस बिना पर जता रही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरा ये कि जो गोपाल जाखड़ गैंगस्टर रोहित गोदारा का करीबी गिरफ्तार हुआ है, क्या उससे पुलिस को कुछ लीड मिल सकती है? क्या रोहित गोदारा को पकड़ना इतना आसान है जितना आसान अभी देखा जा रहा है? खैर, ये सब नहीं पता, लेकिन जिस तरह से राजस्थान के जयपुर की पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा की गिरफ्तारी को लेकर बात कही, बहुत जल्दी वो गिरफ्तार हो जाएगा, उसे देखकर तो उसे सुनकर यही कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं है कि रोहित गोदारा जब गिरफ्तार हो जाएगा। वैसे आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।